पहले तो मैं माफी मांग लूं क्योंकि मैं बहुत क्षण भर के लिए आया हूं। सुनना तो चाह रहा था, सबको प्रेम से बैठना चाह रहा था, लेकिन मुझे फौरन ही 3 नंबर वो एयरपोर्ट क्या थर्ड टर्मिनल वहां से जाना है। बापरे, तो मेरी हालत ऐसी हो रही है और हार्ट डिसिप्लिन भी है। पर जहां तक कविता और जहां तक कविता का सवाल है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, और महाराज बृंदादीन जी ने भी 5000 ठुमरी दादा सब कुछ लिखा, उनकी कृपा से मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ। पर कबीर जी के दोहे पढ़े मैंने, उनकी चीज़ों को पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा उनको कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा हाँ बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, और हीरा मुख सोना कहे, लाख लाख हमारा मोल, लाख हमारा मोल, बहुत अच्छी और एक भावपूर्ण बहुत अच्छी चीज लगी कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया। ये तो बहुत भावपूर्ण हमारे जैसे भाव करने के लिए कहत नटत रीझत खिजत और मिलत खिलत लजिया और भरे भवन में करत है, इशारा सिर्फ है आंखों से, भरे भवन में मिलत है करत है नैनन हूँ सब बात। तो नैन बात कर रहे हैं, मुख से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें बड़ी खूबसूरत बहुत सुंदर उन्होंने रचना की हैं। एक गीत छोटा सा मुझे याद है और उसके पहले कि करत करत अभ्यास के जड़मत, हम तो अपने सुन को कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जात की पाथर पड़त निशान। ये अपने सुन को भी कहता हूँ, अभ्यास सबसे ज़रूरी है सबके लिए, तभी जाती चमक आती हुई, जितना माजो उतनी चमक पैदा होगी। एक गीत मुझे याद आ रहा है, कोई प्रेम के पेंग झुलावे, कोई प्रेम के पेंग झुलावे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिया को ध्यान चित लाओ रे, कोई प्रेम के प्रेम पेंग झुलावे। ये कहते हुए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग में ऐसा हो रहा है कि मुझे जाना है, और फिर दोबारा हम मिलें, फिर चर्चा करें और ऐसे प्रेम से बैठें, इसकी हरदम मेरी कामना रहती है। आप जैसे सब लोग सामने हैं, मन तो नहीं करता लेकिन शरीर को तो जाना पड़ेगा, मन यहीं रहेगा, मैं जा रहा हूँ फिर। यहाँ तो कमल हस्ता नहीं, यहाँ पे तो